खबर शिवपुरी के ग्राम बासखेड़ी से है। यहाँ आपको बता दें कि ग्राम बासखेड़ी में दो बच्चे कुपोषित मिले हैं। बच्चे के पिता सोनू आदिवासी ने बताया कि वह जन्म से ही ऐसे हैं और एक साल पहले NRC में भर्ती भी कराया था, लेकिन वहाँ पर भर्ती का कोई फायदा नहीं मिलता, इसलिए 11 दिन के आसपास भर्ती रहकर हम वहाँ से आ गए। वहाँ केवल दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे बच्चों को कोई फायदा नहीं हो रहा था। सोनू ने बताया कि हम मूलतः पोहरी विधानसभा के राठखेड़ा गांव के निवासी हैं, यहाँ मेरी ससुराल है, इसलिए हम बासखेड़ी आते जाते रहते हैं। बताना होगा कि सोनू मजदूरी का कार्य करता है, इसलिए राठखेड़ा से बासखेड़ी उसका आना जाना लगा रहता है। कुछ महीने पहले बासखेड़ी में रुकते हैं तो कुछ महीने राठखेड़ा में। सोनू के एक बेटे का नाम अरविंद आदिवासी है, उसकी उम्र 3.5 साल है। वही लड़की का नाम साधना आदिवासी, जिसकी उम्र 1.5 साल है। बता दें लड़के की हालत ज़्यादा नाजुक है और वह कुछ भी खा नहीं पाता है। लड़की की हालत फिर भी ठीक है। सोनू का प्रशासन पर से भरोसा उठ गया। उसने बताया कि वह कुछ भी नहीं करते, इसलिए हम बच्चों को भर्ती नहीं करा रहे हैं। अभी बासखेड़ी गाँव में 1 महीने पहले ही सोनू अपने परिवार के साथ आया था। जब से सोनू का परिवार बासखेड़ी में ही है। देखिए ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। नमस्कार। कुपोषण एक ऐसी समस्या जो आज देश और सरकार जड़ से खत्म करने में लगी हुई है, लेकिन शिवपुरी का एक वो इलाका जो कहीं ना कहीं आज भी कुपोषण से ग्रस्त है। आज हम बात करेंगे कुपोषण से ग्रसित दो बच्चों के पिता से कि आखिर क्या समस्या आ रही है, क्यों उनको इन चीजों का सामना करना पड़ा। क्या नाम है आपका? सोनू जी, आपके दोनों बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, क्या कारण है? क्या आपने क्या उनका इलाज नहीं कराया, क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? क्या दिक्कत? हमको सर डॉक्टर कोई नहीं कुछ नहीं बता रहा। आप जैसा है, हम भर्ती हुए थे तो उनने कोई वो नहीं बोला, उसको ना दुख है ना बीमारी है, कोई भी दिक्कत नहीं है कहीं से। कहीं दिन आप भर्ती रहे थे? हम रहे थे 11 दिन, 11-14 दिन ऐसे ही रहे थे। हाँ, सुपरी जिला चिकित्सालय में। सुपरी NRC में? हाँ, NRC में। उस समय आपको कोई मदद नहीं मिली? कोई मदद नहीं मिली। जैसा है कि उनने बोला कि उसको कोई बीमारी नहीं है, तो यहाँ पर रख कर करेंगे ही क्या, उन्हें अपने घर चलो, यहाँ पर कोई फायदा ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दवाई नहीं मिल रही, तो इसलिए में रखने के बाद भी उसको कोई दवाई नहीं दी गई। दवाई मिलती थी, थोड़ी सी गोली मिलती थी, आधी सी सुबह सुबह पीने के लिए, जो नहीं खाने पीने वाली तो मिलती थी बस। उसके लेकिन बाद बच्चे में कोई परिवर्तन नहीं है? नहीं आया। डॉक्टर्स को आपने दिखाया, डॉक्टर ढंग से नहीं देखते थे? ढंग से देखते थे तो वो तो बिना जेई बोला, भैया हम इतना जानते नहीं है। उनने तो जेई कही थी कि मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो तो थोड़ा ऐसा ही है, टाइम लगेगा वो सही हो जाए। तो आपने देखा यहाँ पर जो पिता का कहना है कि हमने उनका एक बच्चा भर्ती कराया था, लेकिन उस बच्चे में कोई परिवर्तन नहीं आया 1 साल पहले। अब उनकी एक बच्ची है छोटी सी, जो बच्ची की उम्र क्या है इस समय? बच्ची की लगभग 1.25 साल ऐसी। वो भी बच्ची को, उस बच्ची को भी प्रॉब्लम आ रही है? बच्ची तो कुछ खा लेती है पी लेती है ना थोड़ा, पर लड़का ही ऐसा है। बच्ची का वेट कितना, वजन कितना उसका होगा? 3 किलो 600 ग्राम होगा उसका। वो भी अपने उससे कम वजन है? उससे कम। वो जो बीच में ने थोड़ा सा वो बीमार, वो पाँव में सूजन आ गई थी, तो उसकी वजह से ने थोड़ी कमजोर सी हो गई। बच्चे का वजन क्या है? बच्चे को 5.5। 5.5 किलो। बच्चे की उम्र क्या है? बच्चे की उम्र है 2.5 साल। तो आपने देखा कि जो कुपोषण से समस्या है उनको सामने आ रही है। आपने देखा उन्होंने पहले भी अपने बच्चे को भर्ती कराया था, कहीं ना कहीं ये पूरा जो प्रश्न चिन्ह है प्रशासन के ऊपर लग रहा है, जिला चिकित्सालय और NRC की व्यवस्थाओं पर लग रहा है। पहले भी यहाँ से उस बच्चे को भर्ती कराया गया था, लेकिन NRC पे इन्होंने पूरी तरीके से आरोप लगाए हैं कि NRC में उनके बच्चों पर ध्यान नहीं दिया गया और इस कारण से वो बच्चे को दोबारा ले जाने को आज तैयार नहीं है। लेकिन अगर आज आपको सुविधाएँ मिलती हैं, सरकार चाहती है कि बच्चों को इलाज मिले, तो क्या आप दिलाने को तैयार हैं? सर हम तो यही बात जानते हैं कि मतलब पहले ही नहीं हुआ तो हमारा तो बहुत बेकार रहा। कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से ये लोग परेशान हैं, आर्थिक रूप से इनकी स्थितियां इतनी सब्रन नहीं है। हमने जो आके स्थितियां देखी हैं, मजदूरी के लिए जगह जगह जाकर ये अपने पेट का भरण पोषण और पेट का पालन कर रहे हैं। तो आखिर इस स्थितियों के बाद वो कहीं ना कहीं टूट चुके हैं कि किस तरीके से मैं अपने बच्चे का इलाज कराऊं। शिवपुरी से अजय राज सक्सेना। क्या नाम है आपका? सपना दादी। मैडम आपके यहाँ दो बच्चे कुपोषण, पहले भी ये बच्चे कुपोषण
नहीं सर, भर्ती पहले जो बच्चा मतलब ये अस्थायी बच्चे हैं, बट हम इनको सारी सुविधाएं भी दे रहे हैं, सब कुछ पोषण आहार भी घर पहुंचा रहे हैं। ये लोग आने के लिए राजी नहीं होते यहाँ पे। और बड़े बच्चे को हमने पहले भर्ती भी कराया था एक साल पहले लगभग, तो NRC में वो 14-11 दिन रह के भग आए थे। लेकिन अब दोबारा लड़की के लिए कह रहे हैं तो सुन ही नहीं रहे थे। जाने का उनका नाम वो कहते हैं हमें पहले फ़ायदा ही नहीं मिला कुछ, हाँ बच्चा सही नहीं हुआ तो हम क्यों जाएँ, तो यहीं सही हो जाएंगे हमारे बच्चे, बात ही नहीं सुनते। हाँ सर वो क्या है ना, नहीं सर समझाया था उन्हें, मैडम ने भी आके एक बार। हाँ सर ये बच्चे आते जाते रहते हैं, तो अभी फिर से आ गए हैं ना, फिर से भी दोबारा मैंने कोशिश करी थी इनको, मैंने कहा चले जाए तो अच्छा सुधर जाएगी बच्चे। हाँ सर ये रात के रहे हैं सर, ये मामा है उसके, तो वो आते जाते रहते हैं।